समिति की घोषणा कर दी है। समिति का संयोजक पूर्व विधायक शिवरतन शर्मा को बनाया गया है। अब लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की क्या रणनीति रहेगी, इसको लेकर शिवरतन शर्मा से खास बातचीत की बंसल न्यूज संवाददाता अनंत शर्मा ने। इस पूरे समिति में संयोजक के रूप में शिवरतन शर्मा जी को चुना गया और वरिष्ठ नेता है भारतीय जनता पार्टी के और इन्हें संयोजक बनाया गया है। किस तरीके से अब आप देखते हैं आगे की लोकसभा चुनाव के लिए क्या रणनीति रहेगी? देखिए, पहले तो मैं प्रदेश नेतृत्व के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने मुझ पर विश्वास व्यक्त किया और हमारा लक्ष्य है छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटें जीतना। प्रारंभिक तैयारी पार्टी ने शुरू कर दी है। पूरे 11 लोकसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय खुल चुके हैं और आगामी 3 दिनों के अंदर छत्तीसगढ़ की 90 विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय लोकसभा चुनाव की दृष्टि से चालू हो जाएंगे। हमारा गांव चलो घर चलो अभियान पूरा हो चुका है और अभी हमारा लक्ष्य है 3 तारीख तक लाभार्थी संपर्क अभियान का। इसमें सेंट्रल की योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के जिन परिवारों को विभिन्न योजनाओं का लाभ मिला है उन परिवारों से संपर्क करने का। आप बिल्कुल दिग्गज नेता हैं कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में प्रदेश के लिए। एक खबर यह भी चलती है कि सुना यह जाता है कि कहीं ना कहीं नाराज थे जितने जो सीनियर लीडर थे, आज संयोजक के रूप में आपको नवाजा गया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। मेरे मन में पार्टी के प्रति कभी कोई नाराजगी नहीं रही। मैं तो व्यक्ति के लिए काम करता नहीं, विचारधारा के लिए काम करता हूं और पार्टी ने मुझे इतना कुछ दिया है। मैंने कभी जब राजनीति की शुरुआत की तो विधायक बनूंगा या प्रदेश का पदाधिकारी बनूंगा कभी नहीं सोचा था मैंने, तो पार्टी ने मुझे इतना कुछ दिया है कि मेरी नाराजगी का सवाल ही नहीं उठता। तो साफ तौर पर आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर अब बड़े निर्णय लिए जा सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी का एक लक्ष्य छत्तीसगढ़ की 11 सीटें जीतना। बिल्कुल, तो देख सकते हैं शिवरतन शर्मा आज अभी हमारे साथ में थे और एक लक्ष्य जो है वो 11 लोकसभा सीटें जीतने की है। कैमरा पर्सन राहुल के साथ अनंत शर्मा, बंसल न्यूज, रायपुर।